लोकसभा चुनाव मुहाने पे है। हरियाणा के अंदर कल बहुत फेरबदल हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव की टिकटों का आवंटन पहला हरियाणा का हो चुका है, पहली लिस्ट आ चुकी है। अरुण सिंह जो प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने डिक्लेयर की है 6 यानी कि पार्लियामेंट की सीटों पर टिकट डिक्लेयर कर दी गई है। हम सिलसिलेवार बताते हैं 6 की 6 सीटों पर। पहला है अंबाला। अंबाला पे पहले रतन सिंह कटारिया होते थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी धर्म पत्नी बंतोष सिंह पर विश्वास जताया है बीजेपी ने, और बंतोष सिंह होंगी यानी कि बीजेपी की कैंडिडेट एमपी की। दूसरी सीट आती है करनाल की, जहां सतीश भाटिया पहले हुआ करते थे, तो वहां पर एक बिल्कुल ऐसा यानी कि कैंडिडेट उतारा है मनोहर लाल खट्टर जी के रूप में, जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उन पर विश्वास जताया है, इसलिए उन्होंने आज विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया था और उनको गवर्नर बनाने की भी अटकलें चल रही थी, लेकिन वहाँ करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने एमपी के लिए। तीसरी है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जो हैं सीटिंग एमपी हैं, उनको ही टिकट दी गई है, उन पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। चौथी है सरसा की। सरसा की बात करें तो सरसा पर सुनीता डुग्गल जी पहले सिटिंग एमपी हुआ करती थी, अब वहाँ उस पर विश्वास जताया है अशोक तंवर जी, जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के आए थे और अशोक तंवर ने बाजी मारी है। ये पहले भी एमपी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, जो रिजर्व है। पांचवी है भिवानी और महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ जो एक सीट कहलाती है, वहाँ सिटिंग एमपी रहे हैं हमारे धर्मवीर जी को फिर विश्वास जताया है बीजेपी ने। और छठी है गुरुग्राम की। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत को टिकट दी है। अब हम बता दें कि 4 रह गई हैं, कौन कौन सी वहाँ पर संभावित ही बताते हैं। हिसार की बहुत मेन सीट है, जिसके लिए दुष्यंत चौटाला बहुत एडी चोटी का दम लगा रहे थे और गठबंधन भी टूटा है, तो वहाँ के लिए संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन मुख्य जो संभावित समझे जा रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु और रणबीर गंगवा, और 2-3 नाम और भी हैं, लेकिन मुख्य नाम इन दोनों के ही चल रहे हैं। देखते हैं कौन बाजी मारता है दूसरी लिस्ट के अंदर। फिर बात आती है रोहतक की। रोहतक में अरविंद शर्मा सिटिंग एमपी हैं, साथ में सतीश नांदल का भी जिक्र आ रहा है कि सतीश नांदल हो सकते हैं। इनमें दोनों में से कोई ना कोई आएगा या कोई तीसरा पैरासूट से उतारा जाएगा। बीजेपी पैरासूट में उतारने की यानी कि अक्सर माहिर है, पैरासूट से उतारा जाएगा या इन दोनों में से किसी को दी जाएगी, ये दूसरी लिस्ट में आने वाला समय बताया जाएगा। कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में पहले एमपी थे जो वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने कल शपथ ली थी और आज फ्लो पर टेस्ट में भी पास हो गए हैं, तो वहाँ सैनी बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर कलासु सैनी का नाम उभर कर आ रहा है, साथ में एक गर्ग है, नाम पूरा उनका मैं नहीं जान पा रहा हूँ, कि वो भी यानी कि लिस्ट में बताए जा रहे हैं। फिर मैं बता दूं कि बीजेपी पैरासूट से उतारने की में माहिर है, किसको उतार दे ये नहीं पता है। फिर आती है हमारी बात सोनीपत। वर्तमान में रमेश कौशिक एमपी हैं वहाँ पर, और वहाँ से कविता जैन जो है एमएलए रहकर मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके पति राजीव जैन और रमेश कौशिक में कश्मकश चल रही है, लेकिन 2-3 नाम और उभर कर आ रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि किसी भी अचानक किसी का भी नाम बीजेपी और डिक्लेयर कर सकती है। ये तो हमने समीकरण बताए और 6 हमने जो डिक्लेयर कर दिए वो बताए। आज जैसे ही गठबंधन टूटा था तो दृढ़ संकल्प रैली की थी दुष्यंत चौटाला ने,
और बार बार डॉक्टर अजय चौटाला का नाम लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम 10 की 10 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः वे 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, भिवानी और हिसार से। ऐसा दुष्यंत चौटाला ने इशारा किया है। और क्या होता है आगे, अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, धीरे धीरे सभी पार्टियां जू यानी कि 15 के बाद कभी भी यानी कि लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हो सकता है और आचार संहिता लग सकती है। और कल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करेगी और इनके मुखड़े देखकर कांग्रेस भी 10 की 10 सीटें जारी करने में सक्षम होगी, क्योंकि एक दूसरे के चेहरे देखकर ही मैदान में कैंडिडेट उतारे जाएंगे। देखते रहिए हमारी एक स्टिक रिपोर्ट जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मेरे सहयोगी अजय सैनी के साथ।